अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मुरमुरे से बनने वाली एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी जो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखिए, ये मैंने 250 ग्राम मुरमुरे लिए हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें इस तरह के डबल पॉलिश वाले मुरमुरे लेने हैं। हमारे यहाँ इसे डबल पॉलिश वाले मुरमुरे कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दूसरे जो मुरमुरे आते हैं सिंगल पॉलिश वाले, वो आपको नहीं लेने हैं। और एक आते हैं जिसे बंगाली मुरमुरे हमारे यहाँ पर कहा जाता है, वो साइज़ में थोड़े छोटे और मोटी साइज़ के वो होते हैं। तो वो मुरमुरे भी आप इस रेसिपी के लिए यूज ना करें क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो इस रेसिपी के लिए अगर आप डबल पॉलिश वाले मुरमुरे ही लेंगे तभी आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। और इसके अलावा देखिए, ये मैंने दो बड़ी साइज के टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है और दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने इस तरह से ऑमलेट कट कर लिया है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया लिया है मैंने बारीक कटा हुआ। और ये जो पाउडर आपको नजर आ रहा है वो इस तरह की रोस्टेड चना दाल को मैंने दरदरा सा पीस कर इसका पाउडर बना कर रख लिया है। तो ये तकरीबन 4 टेबल स्पून रोस्टेड चना दाल का पाउडर मैंने लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून, जीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, और ये 10 से 12 मैंने करी पत्ते लिए। हरी मिर्च का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। तो हमेशा की तरह ऑयल को हम पहले कढ़ाई में अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। तो ज़ीरे को हम हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेंगे। और जब ज़ीरा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। तो इस करी पत्ते को भी हम हल्का सा फ्राई होने देंगे। और जैसे ही ये करी पत्ता फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे। और इस प्याज को भी हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भुनेंगे। तो जब तक ये अदरक लहसुन की रो स्मेल यानी कि इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें इसे भूनना है। अदरक लहसुन हमारा भुन चुका है तो अब हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट भून जाने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और ये हल्दी पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो हम इसमें ये कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। इसे भी एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसकी लीड बंद करके इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे जब तक ये टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो टमाटर हमारे सॉफ्ट होते रहेंगे उतनी देर में हमें क्या करना है, ये जो हमने मुरमुरे लिए हैं इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और मुरमुरे को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पानी में सोक करेंगे। पानी ऐड करने के बाद देखिए, मुरमुरे को हम इस तरह से हाथों से पानी में डीप करेंगे और फिर हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह से पानी में छोड़ देंगे। तो 1 से 1.5 मिनट में ये जो मुरमुरे हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फिर हम इसे पानी से इस तरह से निचोड़ कर निकाल लेंगे एक बाउल में। तो बस इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है और फिर निकाल लेना है इसे पानी से निचोड़ कर। तो ये देखिए, सारे मुरमुरे मैंने निकाल लिए हैं पानी से। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और देखते हैं हमने जो टमाटर सॉफ्ट होने के लिए रखे थे वो सॉफ्ट हुए या नहीं। देखिए, टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं तो हम इसमें ये मुरमुरे ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही हम इसमें ये रोस्टेड चना दाल का पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसके बाद देखिए, ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया है कटोरी में, तो इस तरह से हमें इसे ऊपर से डाल देना है। दूध डालने के बाद हम इसकी लीड बंद करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे दम दे देंगे लो फ्लेम पर। 2 मिनट बाद हमारा मज़ेदार सा नाश्ता तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे कटे हुए नींबू और दही के साथ सर्व कर सकते हैं। आपके घर में ये रेसिपी सबको बहुत ही पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे 1 टाइम सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें मिलने वाला एक इनाम होता है। और इसी तरह की मज़े की रेसिपी मैं आपके लिए लाते रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।